अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी। और आज हाजिर हूं एक जबरदस्त कस्टमर फीडबैक के साथ। जैसे कि हम कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं उस वाले से आपके लिए कस्टमर का जो है ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते हैं, कस्टमर फीडबैक लेके आते हैं, ताकि आपको पता चले जो प्रोडक्ट के बारे में हम जितने भी स्पेक्स फीचर डिस्कस कर रहे हैं उस वाले से प्रोडक्ट की वाकई उसकी जो वैल्यू वर्थ है, उसकी क्वालिटी फीचर वैसे ही हैं। तो वो बताता है कस्टमर एंड यूज़र जो प्रोडक्ट लेता है। तो इस प्रोडक्ट का हमने रिसेंटली रिव्यूज़ किया था, रोड प्रिंस बेला 100cc स्कूटर है जिसका अभी रिसेंटली हमने रिव्यू किया था, और उस वाले से कस्टमर फीडबैक भी काफ़ी अच्छा। हमने जितने भी यूनिट सोल्ड किए अलहमदिल्ला अभी तक हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। बाकी ये है कि हमारे पास क्लाइंट मौजूद हैं, वो अपना तारुफ भी कराएंगे, उसके बाद उन्होंने जो स्कूटी हमसे बाय की उसको लेने के बाद उनको इस वाले से क्या फीडबैक है और क्वालिटी कैसी, इस वाले से उन्हीं से राय पूछेंगे। तो मैं उनको दावत देता हूँ, वो इस वाले से अपना जितना भी है आपको उस वाले में फीडबैक देंगे। जी भाई सलाम, आपने स्कूटी बाई की थी, कितना टाइम पीरियड हो गया इसको आपने बाई की? मुझे एटलीस्ट 1.5 मंथ हो गए स्कूटी बाई किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है और काफ़ी इजी गोइंग है। तो इसमें क्वालिटी के वाले से आप क्या कहेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है इसमें मार्केट में और भी कंपनीज बना रही हैं, तो ये वाली आपने बाय की है, उससे पहले भी आपने अगर कोई यूज़ कर रहे थे उस वाले से, इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी है और किस चीज़ की आपको इसमें कमी लगी है, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी है वो भी बता रहे हैं। कमी तो ऐसा कोई नहीं है, ओवरऑल इसकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। फ्यूल एफिशिएंसी के वाले से कैसी है, कम्फर्ट के वाले से? बहुत अच्छी है, बहुत कम्फर्टेबल है। तकरीबन आप ये कंपनी जो क्लेम करती है तकरीबन 1 लीटर में 50 to 55, तो इतनी एवरेज कर रही है ये? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने तो जस्ट इसको ना रिव्यू किया हुआ, हमने इसका फीडबैक तो आपसे पता चला क्योंकि आप इसको यूज़ कर रही हैं। जी जी। तो इसका आपने प्रोडक्ट के वाले से फीडबैक दिया है जो क्वालिटी के वाले से, हमने कहा आपको काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इससे जो है आपको फैसिलिटेशन कैसी मिली, मतलब आप इससे पहले जो है जैसे आप यूनिवर्सिटी गोइंग है तो आप इससे पहले कैसे ट्रैवलिंग कर रही थी, और इसके बाद जो आपको इससे इजी कंफर्ट मिली, इजी जो है ट्रैवलिंग मिली, उस वाले से भी कस्टमर को बताएं। बाद लोग हेजिटेट करते हैं कि भी हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते, या लोग कहते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम आती है जो स्पेशली लोकल ट्रांसपोर्ट वाले से, तो उस वाले से आपका क्या कहना है कि अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो उस वाले से आपको कितनी जो है वो ईजी कम्युनिकेशन, जो ईजी जो है ट्रैवलिंग में मिल जाती है? सर ट्रैवलिंग इस पर बहुत इजी है, सबसे पहले ये कि हर आता जाता आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, लड़कियाँ हों या वट एवर जो भी है सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इससे पहले मेरे पास ये था कि करियर उबर एंड ड्राइवर इन सब पे इनके थ्रू मुझे जाना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, लेकिन जब से खैर स्कूटी ली है तब से तो अभी आपकी अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें जाए, अगर आपकी ट्रैवलिंग जिस भी एरिया से है आप वो एक बता दें कि आपका कितना इस पर फ्यूल लग जाता है, और उससे पहले क्या था उस वाले से भी थोड़ा सा। पहले मेरा एक दिन का ऑलमोस्ट आना जाना, अगर करें कि मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है घर से, तो मेरा आना जाना एटलीस्ट 1000-1200 इस तरह हो जाता था, लेकिन इतना ही मेरा ऑलमोस्ट 1 वीक का इस पे पेट्रोल लग जाता है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। सही है, मतलब 1 वीक आप जिस टाइम कह रहे हैं 1000 में है, तो डेली की कॉस्ट निकालें तो 100-150 रुपीज़ आप लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 150 रुपीज़ में आपका आना जाना इजली इसके ऊपर हो सकता है। तो आपने जो है अपनी जो दूसरी आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लाइक किया, मतलब वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर, काफ़ी ज़्यादा सब ने, मतलब आते जाते यूनिवर्सिटी में उससे बाहर मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स सब लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप रिकमेंड करेंगे स्पेशल जो फीमेल जो ट्रिस्टन लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको फेस करना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसी है, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि ये बाय करें, इसको चलाएं, क्योंकि इतने कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है और आप इजीली इसको चला सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। तो जी बस ये था ओनर रिव्यू, और आपने देख लिया जो भी फीडबैक था ओवरऑल सही 100% जो है इसका परफेक्ट जो है क्वालिटी फीडबैक है, और बाकी का हमारे पास जो भी आप स्कूटी बाय करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर यहीं पे मौजूद है, अंडर 1 रूफ आपको तमाम फैसिलिटी मिलती है। तो जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे इंशाल्लाह आफ्टर सेल सर्विस आपको तमाम फैसिलिटी मिलेगी, और अंडर 1 रूफ तमाम फैसिलिटी मिलेगी, इसके भी आफ्टर सेल सर्विस हमारे पास ही मौजूद है। तो आप भी अगर बाय करना चाहते हैं तो आप हमारा आउटलेट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी किसी ब्रांड की स्कूटी उस वाले से भी ट्यूनिंग या सर्विस के वाले से आना चाहते हैं उस वाले से हमारा आउटलेट जरूर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।